हेलो फ्रेंड, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रॉस आर्म और टावर और इंसुलेटर के बारे में बात की थी। उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा था और आज हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ आगे के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंडक्टर, अर्थवायर, स्पेसर, डैम्पर। दोस्तों ये चार कॉम्पोनेंट हम देखेंगे, इन चार कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं ये क्या होता है, ओवर ट्रांसमिशन लाइन में ये कैसे काम करते हैं। तो चलो दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर इज़ अ फिजिकल मीडियम टू कैरी सॉरी कंडक्टर इज़ अ फिजिकल मीडियम टू कैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दोस्तों कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक प्लेस से किसी दूसरी जगह तक पहुँचाता है। अगला देखते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल शॉक। मतलब दोस्तों आपको तो पता ही है अर्थिंग किस लिए होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक से, अर्थिंग के लिए, लीकेज के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, अर्थिंग प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। आगे देखते हैं, इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ अ प्रोटेक्टिव कंडक्टर फॉर अ फॉल्ट करंट टू फ्लो टू अर्थ। ये हमें बचाता है दोस्तों, ये ओवर ट्रांसमिशन लाइन में बचाता है कोई कंडक्टर ज़्यादा मतलब फॉल्ट में करंट ना पास कर पाए, मतलब उसमें कोई शॉक ना लग पाए इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इसलिए ये हम अर्थिंग करते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन में। अब अगला आता है हमारा स्पेसर। स्पेसर सर्व टू इस्टेब्लिश अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्शियल कंडक्टर ऑफ अ बंडल लाइन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कंडक्टर फ्रॉम नॉकिंग टुगेदर एंड दस अवॉइड डैमेज डन टू कंडक्टर। इसका मतलब है ये कि दोस्तों स्पेसर वो काम करता है ओवर ट्रांसमिशन लाइन में, जो बीच में आप देखते हैं उन सिग्जैक फॉर्म में स्पेस होते हैं, वो इसीलिए स्पेस होते हैं। अगर साथ साथ रहेंगे तो ओवर ट्रांसमिशन टावर पूरा भी नहीं हो पाएगा और उसमें डैमेज भी हो सकता है, जल्दी टूट सकता है। तो इसलिए हम स्पेस देते हैं उसमें ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा, जिससे कि वो बच सके, कोई डैमेज ना आ सके। ये होता है दोस्तों स्पेसर। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं डैम्पर। डैम्पर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। द डैम्पर इज डिजाइन टू डिसिपेट द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन द मेन केबल टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये होता है दोस्तों डैम्पर, मतलब इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं एनर्जी, जिसमें ये जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट चारों पॉइंट दोस्तों आपको समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सब स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा है आपको दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और वीडियो से प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।